जो लोग नहीं आए भाई वो मेरी वीडियो देख के दर्शन कर लेना है ना। तो भाई साहब हमें रास्ते में आते आते देखो भालू दिख गया जंगल में, और देखो भालू भालू पुत्र। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। नया दिन नए सफर की शुरुआत, जैसे कि आपको पता ही है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कांगड़ा में स्थित माता का मंदिर, जो कि चामुंडा देवी के नाम से मशहूर है। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आज मैं आपको चामुंडा देवी के दर्शन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा पालमपुर में सबसे प्राचीन मंदिर बैजनाथ मंदिर में। दोस्तों आज मैं हूँ धर्मशाला में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं चामुंडा देवी का मुख्य द्वार है जो, और अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और अंदर का दिखाता हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम विजिट है और जो लोग नहीं आए भाई वो मेरी वीडियो देख के दर्शन कर लेना है ना। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर में। आपको माता रानी का दर्शन करने के बाद दो तीन सीढ़ियां उतर के नीचे आपको ये मंदिर दिख जाएगा। अंदर चलते हैं इस मंदिर के और अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पहले भाई गुफा थी, अब इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, यहाँ पर डोर लगा दिया है और ये बहुत बड़ी शिला है यहाँ पर। इसके नीचे पहले गुफा हुआ करती थी और ये देख सकते। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं पालमपुर की ओर माता रानी के दर्शन करने के बाद, और अब बारी है भोले बाबा के दर्शन करने की। तो दोस्तों मेरे लेफ्ट और राइट वाली साइड देख सकते हो आप कि टी गार्डन ही टी गार्डन है, और मैं हूँ इस टाइम पे पालमपुर में। अगर आप
चामुंडा देवी के दर्शन करने आए हैं तो वैजनाथ भी जरूर जाएं। चामुंडा देवी से वैजनाथ का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर दूर, तो आप अगर अपनी गाड़ी से आएँ तो जरूर जाएँ, मोटरसाइकिल से आएँ तो तब भी जरूर जाएँ। बने रहे हमारे साथ, आगे आपको दिखाता हूँ मैं वैजनाथ का टेम्पल। फाइनल दोस्तों पहुंच चुके हैं हम वैजनाथ मंदिर, हमने प्रसाद ले लिया है बाबा के लिए, और चलो अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध वैजनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो शिव भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल किनारे पर बसे इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। कई प्राकृतिक आपदाओं, आक्रमणों और बदलावों को देख चुका यह मंदिर आज भी अपने मूल रूप में बना हुआ है। बिनवा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर अपने चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों की वजह से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर दिशा में बर्फ से ढकी पीर पंजाल की चोटियां और नीचे धौलाधार की हरियाली इस सुंदरता को और बढ़ा देती है। पुरातत्व शास्त्री कनिंघम के अनुसार इस मंदिर की स्थापना शक संबत 726 में हुई थी। वैजनाथ मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। यह मंदिर 51 फुट लंबा तथा 31 फुट चौड़ा है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर अलंकृत मूर्ति शिल्प अपने आप में अद्भुत है। वर्तमान मंदिर में लगे दो शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मयूख और अहुक नाम के दो व्यापारी भाइयों ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। इस मंदिर का संबंध लंकापति रावण तथा पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग वही है जिसे लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ से एक वरदान के रूप में लंका ले जा रहा था, लेकिन एक शर्त के पूरा ना कर पाने के कारण यह शिवलिंग यहीं स्थापित हो गई थी। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने भी इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की थी। इधर है, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।